मैजिकल लॉन्ग हार्ट्स। नीलगंज नाम के गांव में सेतु नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक बार उसने एक नई बस खरीदी। एक दिन सेतु अपने दोस्त उमेश, सूर्या, निहाल और बाजवा से मिलकर अपने बस खरीदने के बारे में बताया और इस खुशी में उन्हें फॉरेस्ट ट्रिप को ले जाऊंगा कहकर कहा। ये बात सुनकर दोस्त बहुत खुश हुए। अगले दिन सेतु अपने दोस्तों को लेकर उन्हें बस चढ़ाकर ट्रिप को ले गया। बाद में जंगल के अंदर जाने के बाद सेतु ने उस बस को एक जगह पर रोक दिया। सब नीचे उतरे। रे, सब एक एक करके 15,000 रुपए निकाल के दो रे, पेट्रोल भरवाना है। क्या 15,000? क्यों रे, तुमने फ्री ट्रिप कहा था ना, फिर अब क्या ऐसे पैसे पूछ रहे हो? रे, ये सेतु कितना कमीना और लालची है। ये बात पता होने के बाद भी इसके साथ आना अपनी गलती है, ये तो होना ही था। लगता है ये बस के पैसे अपने से ही वसूल करने के लिए देख रहा है। मेरे बारे में पता चल गया ना, कम से कम अब तो भी मुझे एक एक करके 15,000 दिए तो सबको सलामत से घर ले जाकर छोड़ूंगा, नहीं तो मैं आपको इस जंगल में ही छोड़कर चला जाऊंगा। आप लोग जंगल के खूंखार जानवरों का आहार बनोगे। रे सेतु, तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम तुम्हें एक रुपया भी नहीं देंगे। तुम क्या कर सकते हो वो कर लो। मुझे पैसे नहीं दिए तो आप लोग जंगल में कहकर अपने बस को चलाते हुए वहाँ से चला गया। बाद में वो चारों दोस्त अब क्या करना है कहकर सोचने लगे। इतने में उन्हें उनके सामने एक घोड़ा दिखाई दिया। उमेश उसके पास जाकर घोड़े को पकड़ लिया। अब बाकी लोगों से उमेश, रे मैं इस घोड़े पे चढ़कर 50 किलोमीटर तक जाऊंगा, बाद में दूसरा चढ़ना, बाद में तीसरा, उसके बाद में चौथा, ऐसे हम सब मिलकर शिफ्ट होते हुए घोड़े पे जाएंगे, क्या कहते हो? क्या रे, पहले तुम चढ़ोगे? नहीं, पहले मैं ही चढ़ूंगा, उसके बाद ही तुम सब चढ़ोगे। अगर सच बोलूं तो, रे उमेश तुम्हें इस घोड़े पे चढ़ने का हक नहीं है। पता है क्या, तुम पे भरोसा करके ही हम उस कमीने पे यकीन करके बस चढ़े थे। रे ऐसे पागलों जैसे बात करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एक और बार ऐसे किए तो मैं इस घोड़े को यहाँ पर ही छोड़ दूंगा। असल में मैंने ही इस घोड़े को पकड़ा था ना। मैं पहले चढ़ूंगा कहकर जोर से झगड़ने लगे। इतने में उनके बातें सुनकर एक स्वामी जी वहां पर आए। देखो बेटा, जंगल में ऐसे नहीं झगड़ते, मेरे जैसे मुनि लोगों का ध्यान भंग होता है। नहीं नहीं, अगर बाघ या शेर आपके चीख को सुन लिए तो यहाँ आ जाएंगी, बाद में आप में से कोई नहीं बचेगा। स्वामी जी हमें माफ कीजिए, हमारा दोस्त हमें धोखा देकर चला गया था। हम चार लोग हैं, मगर जाने के लिए सिर्फ ये एक घोड़ा ही है, इसलिए हम यूँ झगड़ रहे थे। कृपा करके आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए स्वामी। तब उस घोड़े को देखकर स्वामी जी, ओम हीम क्लीम फट, बस वो घोड़ा एक बहुत बड़ा मैजिकल लॉन्ग हॉर्स के जैसे बदल गया। आप चारों इस मैजिकल लॉन्ग हॉर्स पे सवार होकर अच्छे से घर चले जाइए। आप इस घोड़े पे जितनी देर रहोगे उतनी देर कोई जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छे से उन्हें देखते हुए खुशी खुशी चले जाइए। उनके बातें सुनकर सब स्वामी जी को धन्यवाद किए। बाद में वे लोग जंगल में घूम रहे जंगली जानवरों को देखते हुए खुशी खुशी मैजिकल लॉन्ग हॉर्स के ऊपर अपने गांव चले गए।